मानव मन एक जटिल और शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। यह हमारे विचारों, भावनाओं, विश्वासों, व्यवहारों और यहां तक कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार है। हालांकि मन तनाव, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का स्रोत भी हो सकता है, जो हमारे दैनिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सम्मोहन एक शक्तिशाली उपकरण है जो मन को पुनः प्रोग्राम करने में मदद कर सकता है, जिससे व्यक्ति नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को दूर कर सकते हैं और कल्याण की अधिक समझ प्राप्त कर सकते हैं। सम्मोहन क्या है? सम्मोहन चेतना की एक अवस्था है जो एक प्रशिक्षित सम्मोहन चिकित्सक द्वारा प्रेरित होती है। यह एक तनाव मुक्त केंद्रित अवस्था है जो व्यक्तियों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचने और अपने विचारों और व्यवहारों को बदलने की अनुमति देती है। सम्मोहन के दौरान सम्मोहन चिकित्सक व्यक्तियों को अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने और नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को दूर करने में मदद करने के लिए सुझावों और निर्देशित इमेजरी का उपयोग करता है। चिंता, अवसाद, फोबिया और लत सहित विभिन्न प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज के लिए सदियों से सम्मोहन का उपयोग किया जाता रहा है। यह एक सुरक्षित और प्रभावी उपचार विकल्प है जो लोगों को कल्याण की अधिक समझ प्राप्त करने और अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। सम्मोहन कैसे काम करता है? सम्मोहन अवचेतन मन तक पहुंचने के द्वारा काम करता है, जो मन का वह हिस्सा है जो स्वचालित विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन एक कंप्यूटर की तरह है जो हमारे सभी विश्वासों, यादों और अनुभवों को संग्रहित करता है। यह हमारी आदतों और कुछ स्थितियों में स्वतः प्रतिक्रिया के लिए भी जिम्मेदार है। सम्मोहन के दौरान सम्मोहन चिकित्सक व्यक्ति को आराम से केंद्रित अवस्था में मार्गदर्शन करता है। इस स्थिति में व्यक्ति सुझावों के लिए अधिक खुला होता है और अपने अवचेतन मन तक अधिक आसानी से पहुंचने में सक्षम होता है। सम्मोहन चिकित्सक तब निर्देशित कल्पना और सकारात्मक सुझावों का उपयोग करता है ताकि व्यक्ति को अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने और नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को दूर करने में मदद मिल सके। चिंता और तनाव कम करें। चिंता और तनाव सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। सम्मोहन व्यक्तियों को आराम करने और सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करके उनकी चिंता और तनाव के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। यह अधिक सकारात्मक और उत्पादक तरीके से तनाव और चिंता का जवाब देने के लिए व्यक्तियों को अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने में भी मदद कर सकता है। फोबिया पर काबू पाएं। फोबिया तर्कहीन भय हैं जो हमारे दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। सम्मोहन व्यक्तियों को उनके दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने और उनके डर के बारे में सोचने के तरीके को बदलने में मदद करके उनके भय को दूर करने में मदद कर सकता है। अपनी मान्यताओं और धारणाओं को बदलकर व्यक्ति अपने फोबिया को दूर कर सकते हैं और अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। नींद में सुधार। नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन कई लोग अनिद्रा जैसी नींद की समस्या से जूझते हैं। सम्मोहन व्यक्तियों को आराम करने और किसी भी नकारात्मक विचारों या भावनाओं को छोड़ने में मदद करके उनकी नींद में सुधार करने में मदद कर सकता है, जो उन्हें जगाए रख सकते हैं। सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करके व्यक्ति गहरी और अधिक आरामदायक नींद प्राप्त कर सकते हैं। दर्द का प्रबंधन करें। पुराने दर्द का हमारे दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिससे सरल कार्य करना भी मुश्किल हो जाता है। सम्मोहन व्यक्तियों को आराम करने और सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करके उनके दर्द का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है। यह व्यक्तियों को उनके दर्द की गंभीरता और आवृत्ति को कम करने, अधिक सकारात्मक और उत्पादक तरीके से दर्द का जवाब देने के लिए अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने में भी मदद कर सकता है। व्यसन पर काबू पाएं। लत एक जटिल और चुनौतीपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो हमारे दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। सम्मोहन व्यक्तियों को अपने दिमाग को पुनः
प्रोग्राम करने और व्यसन के आसपास अपने विश्वासों और व्यवहारों को बदलने में मदद करके व्यसन को दूर करने में मदद कर सकता है। यह व्यक्तियों को उन अंतर्निहित मुद्दों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने में भी मदद कर सकता है जो उनकी लत में योगदान दे सकते हैं। आत्मसम्मान में सुधार करें। कम आत्मसम्मान हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, रिश्तों से लेकर करियर के अवसरों तक। सम्मोहन व्यक्तियों को उनके दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने और सकारात्मक आत्मचर्चा और विश्वासों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करके उनके आत्मसम्मान को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अपने बारे में अपने विश्वासों और धारणाओं को बदलकर व्यक्ति आत्ममूल्य और आत्मविश्वास की अधिक समझ प्राप्त कर सकते हैं। रचनात्मकता बढ़ाए। सम्मोहन व्यक्तियों को उनके अवचेतन मन तक पहुंचने और उनकी रचनात्मक क्षमता में टैप करने में मदद करके उनकी रचनात्मकता को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। सकारात्मक विचारों और विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिमाग को पुनः प्रोग्रामिंग करके व्यक्ति रचनात्मक अवरोधों को दूर कर सकते हैं और रचनात्मक पूर्ति की अधिक समझ प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरणा बढ़ाएं। प्रेरणा हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन कई लोग प्रेरणा के मुद्दों से जूझते हैं। सम्मोहन व्यक्तियों को उनके दिमाग को पूर्ण प्रोग्राम करने और उनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करके उनकी प्रेरणा बढ़ाने में मदद कर सकता है। अपने और अपनी क्षमताओं के बारे में अपने विश्वासों और धारणाओं को बदलकर व्यक्ति प्रेरणा और ड्राइव की अधिक समझ प्राप्त कर सकते हैं। फोकस और एकाग्रता में सुधार करें। आज की तेजी से भागती दुनिया में ध्यान केंद्रित रहना और काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। सम्मोहन व्यक्तियों को आराम करने और विकर्षणों के अपने दिमाग को साफ करने में मदद करके उनके ध्यान और एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिमाग को पुनः प्रोग्रामिंग करके व्यक्ति उत्पादकता और उपलब्धि की अधिक समझ प्राप्त कर सकते हैं। कल्याण की एक बड़ी भावना प्राप्त करें। आखिरकार सम्मोहन का लक्ष्य व्यक्तियों को कल्याण की अधिक समझ प्राप्त करने और अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद करना है। अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करके और अपने विचारों और व्यवहारों को बदलकर व्यक्ति नकारात्मक प्रतिमानों पर काबू पा सकते हैं और खुशी, शांति और तृप्ति की अधिक भावना प्राप्त कर सकते हैं।